मंत्री अमित शाह ने जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की बागडोर हाथ में संभाली है, अमित शाह तभी से इंडिया अलायंस पर फायर है। एक बार फिर अमित शाह ने राजौरी में रैली करते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने इस बार सीधे सीधे आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगे का लहराना इंडिया अलायंस को हजम नहीं हो रहा और विपक्ष के लोग फिर से जम्मू कश्मीर में दहशत भरे पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा। और क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव में विपक्ष की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि वो अनुच्छेद 370 की जम्मू कश्मीर में बहाली करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेंगे, इसलिए इस मुद्दे पर अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि ना तो पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी और ना ही आतंकवादियों को अब जम्मू कश्मीर में खुला घूमने की ऐसी छूट मिलेगी जैसे कि 2014 से पहले मिला करती थी। ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? गौरतलब है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई जिसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी तो अपनी जीत का लगातार दावा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच आतंकी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। रिपोर्ट देखिए। जम्मू से आतंकियों के खात्मे के लिए सबसे बड़ा अभियान जारी है। भारतीय सेना के जवान चुन चुन कर दहशतगर्दों का नामो निशान मिटा रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में दहशत फैलाने उतरे आतंकी हथियारों का जखीरा अपने साथ लाए थे, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीरों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की एक बड़ी खेप जो जम्मू कश्मीर भेजी जा रही थी उसे बीएसएफ ने जो है वो रिकवर किया है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ के जाबाज जवानों ने देर रात के इस ऑपरेशन में ये रिकवर की है, जिसमें आप देखेंगे कि ये एक AK सीरीज की राइफल है जिसके साथ 2 मैगजीन और 17 राउंड जो हैं वो AK के रिकवर किए गए हैं। ये सब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरजमीन पर एक घुसपैठिया लेकर आ रहा था जिसे देर रात तकरीबन जो है 12-1 बजे के करीब बीएसएफ की तरफ से देखा गया। आरएस पूरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसके साथ ही हथियारों की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। बरामद हथियार में एक असॉल्ट राइफल, 2 मैगजीन, 17 राउंड, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 20 राउंड शामिल है। बड़ी कामयाबी यहां पर बीएसएफ को मिली है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश थी कि चुनाव से ठीक पहले हथियारों की एक बड़ी खेप को यहां पर भेजा जाए। आप देखेंगे AK सीरीज़ के हथियार जो यहां पर भेजे गए, उसके साथ साथ बेटा पिस्टल, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भेजी जाए हथियारों का जखीरा। ये भी आप देखेंगे तो पिस्टल्स और उसके साथ साथ मैगजीन्स जो हैं वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही हैं। क्यों किश्तवाड़ के चतरु इलाके में दहशतगर्दों को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल चतरु बेल्ट के नैदगाम इलाके में जैशे मोहम्मद के 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद हो रहे विधानसभा चुनाव से आतंकिस्तान किस तरह बौखला गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हाल के दिनों में जम्मू रेंज में हो रहे आतंकी हमले कुछ जान लीजिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर आतंकियों ने एक साथ कई जगहों को टारगेट किया है।
गोलियों की आवाज़ सुनाई दी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा। पूरा इलाका जो है डरा सहमा हुआ है। उसके बाद फायरिंग रुकी और फिर से जो है रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलियों की आवाज़ जो है सुनाई दी। चुनाव को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान जवानों ने उसे पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की सफाई के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीमा पर हिंदुस्तान के शूरवीर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जमीन आसमान और जंगल हर जगह भारतीय सेना के जाबाज जवान तैनात है। मतलब साफ है कि आतंकियों का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार भी नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की करेंगे, जिसके बेटे पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। अवधेश के बेटे यानी कि अजीत प्रसाद के खिलाफ में अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित रोहित तिवारी ने अजीत के खिलाफ में पुलिस से शिकायत की है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से अवधेश प्रसाद को जीत मिली तो अखिलेश यादव गदगद हो गए। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को अपने सिर का ताज बना लिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को संसद में अपनी बगल की सीट पर जगह दे दी। लेकिन अब समय का चक्र देखिए, जिस अवधेश प्रसाद को अखिलेश अपने गले का हार बनाकर घूम रहे थे, वही अवधेश अब अखिलेश समेत पूरी समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। अवधेश के करीबी मोहित खान के कारनामे तो आप देख ही चुके हैं। अब उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद का नाम एक शख्स के अपहरण से जुड़ गया है। हैरानी की बात तो ये है कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे की गलती मानने की बजाय इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। अवधेश प्रसाद ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने उनके बेटे को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। अब जरा रवि तिवारी नाम के इस शख्स का दर्द भी सुन लीजिए। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाए, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए, मारने पीटने लगे, जो है गाड़ी में लौटाने के बाद लेके आए हमको तहसील के पास, हमको 4 6 थप्पड़ मारे। अब आप ही बताइए, क्या अजीत को सियासी जाल में फंसाने की साजिश हो रही है या अवधेश उनके कांड पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन रवि तिवारी का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने उसे अगवा किया। अजीत के गुंडों ने रवि की पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने अजीत प्रसाद के खिलाफ नगर कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज करा दी है। अब जरा सोचिए, अभी अजीत प्रसाद को सिर्फ प्रत्याशी बनाया गया है और उन पर SP की गुंडागर्दी का रंग चढ़ने लगा है।